जय हिंद प्यारे बच्चों, मिशन शिक्षण संवाद की पढ़ाई से प्रतियोगिता तक की आज की हिंदी व्याकरण की कक्षा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज हम शीट क्रमांक 14 को अच्छे से देखेंगे, पढ़ेंगे और समझेंगे। शीट क्रमांक 14 में अर्थ के आधार पर वाक्य भाग एक के बारे में पढ़ेंगे, तो चलिए इसको एक वीडियो के माध्यम से समझते हैं। जय हिंद प्यारे बच्चों, मिशन शिक्षण संवाद की आज की हिंदी व्याकरण की कक्षा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले बच्चों, आप सभी को दशहरा की शुभकामना, और इसके साथ ही मुझे पूरा विश्वास है कि आपने दशहरा को अच्छे से मनाया होगा, मनाया तो होगा ही, साथ ही साथ पढ़ाई भी की होगी। अब आगे हम बढ़ते हैं, पहले हम देखते हैं कि पिछली कक्षा में आपको क्या पढ़ाया गया है। पिछली कक्षा में आपने देखा होगा कि आपको पढ़ाया गया है वाक्य के भेद कौन कौन से हैं। तो वाक्य क्या होता है? जो सार्थक, कुछ सार्थक शब्दों से मिलके वाक्य बनते हैं। अब ये जो वाक्य हैं उनके भी प्रकार होते हैं, ठीक है? कौन कौन से प्रकार हैं? दो हैं, पहला रचना के आधार पर और दूसरा अर्थ के आधार पर। तो हमने पढ़ा रचना के आधार पर कौन कौन से वाक्य बनते हैं। एक बनता है सरल वाक्य, दूसरा बनता है मिश्र वाक्य और तीसरा बनता है संयुक्त वाक्य। तो सरल वाक्य क्या है? सरल वाक्य एकदम सरल, जिसमें एक उद्देश्य और एक विधेय होता है। जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है, श्याम खाना खाता है या राधा सोती है, राम पढ़ने जा रहा है, मैं आज बहुत खेलूंगी, ठीक है? तो इस तरह के जो वाक्य हैं वो क्या हो गए? वे तो साधारण वाक्य हो गए। दूसरा है मिश्र वाक्य। अब ये मिश्र वाक्य क्या होता है? मिश्र वाक्य में एक वाक्य जो होता है, मिश्र है यानी इसे समझ में आ रहा है मिला हुआ है, दो या तीन हो सकते हैं। तो जो पहला है वह साधारण वाक्य है और जो दूसरा है वो उसके अधीन उपवाक्य है। जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है, श्याम ने लिखा है कि वह कल आ रहा है। अब तीसरा क्या है? तीसरा है संयुक्त वाक्य। इसमें जो एक से अधिक उपवाक्य होते हैं इसे हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। इसमें क्या होता है? एक से अधिक प्रधान उपवाक्य होते हैं। जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है, वह लखनऊ गया और साड़ी ले आया। तो बच्चों, इस तरह हमने जाना कि पिछली कक्षा में हमें वाक्य के भेद हमने पढ़े हैं जो दो प्रकार के हैं, ठीक है बच्चों? बच्चों, अब हम शीट क्रमांक 13 में जो तीन प्रश्न थे हमारे, उनके उत्तर को एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि उसके उत्तर क्या है, ठीक है? वाक्य के भेद के आधार क्या है? हमने क्या पढ़ा था कि वाक्य के भेद के आधार दो हैं, रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर, ठीक है? अब दूसरा प्रश्न है, रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? सोचिए, हमने क्या पढ़ा था? एकदम सही कहा, हमने पढ़ा था रचना के आधार पर वाक्य तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है साधारण, दूसरा होता है मिश्र और तीसरा होता है संयुक्त। यानी पहला है साधारण वाक्य, दूसरा है मिश्र वाक्य और तीसरा है संयुक्त वाक्य। तो मुझे एकदम पूर्ण विश्वास है कि आपको ये चीज याद हो गई होगी। और तीसरा है संयुक्त वाक्य की परिभाषा क्या है? देखिए, जो संयुक्त वाक्य होता है उसमें एक से अधिक प्रधान उपवाक्य होते हैं। वो साधारण वाक्य में से भी हो सकते हैं और मिश्र वाक्य में से भी हो सकते हैं। संयुक्त मतलब हम समझते हैं मिला हुआ, यानी दो तीन चीजें मिलके जब कोई चीज बनाती है तो उसे हम संयुक्त कहते हैं। तो बच्चों, इस तरह हमारे इन तीनों प्रश्नों के उत्तर हमें मिल गए। अब हम जो हमारा आज का टॉपिक है, यानी जो शीट क्रमांक 14 में अर्थ के आधार पर वाक्य के जो भेद हैं उसको हम पढ़ेंगे। बच्चों, अब हम आज जो हमारा शीट क्रमांक 14 है उसका जो टॉपिक है वह टॉपिक है अर्थ के आधार पर वाक्य भाग एक। इसको मैं अभी आपको समझा दूंगी। एक बार पीछे का बताते हैं कि वाक्य के भेद दो तरह के हैं, रचना के आधार पर और
अर्थ के आधार पर। तो रचना के आधार पर हमने तीन पढ़ लिए हैं, अब हमको अर्थ के आधार पर पढ़ना है। तो भाग एक इसलिए है क्योंकि अर्थ के आधार पर जो वाक्य होते हैं वो आठ प्रकार के होते हैं। तो आज भाग एक में हम चार प्रकार पढ़ेंगे और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम उसके अगले चार प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। तो दोनों मिला के आठ प्रकार के वाक्य हो जाएंगे अर्थ के आधार पर। तो अब इसको शुरू करते हैं कि अर्थ के आधार पर वाक्य जो हमने चार आज पढ़ने हैं वो कौन कौन से हैं। वो है विधिवाचक वाक्य, दूसरा है निषेधवाचक वाक्य, तीसरा है आज्ञावाचक वाक्य और चौथा है विस्मयवाचक वाक्य। ठीक है, अब इसको समझेंगे ये क्या है। ठीक है, पहला है विधिवाचक वाक्य, मतलब जिनसे किसी बात या कार्य के पूरे होने का बोध होता है, किसी बात या कार्य के पूरे होने का बोध होता है। जैसे मैं प्रतिदिन पढ़ता हूं, ठीक है, दोपहर के बाद शाम आती है, ठीक है, मैं रोज स्कूल जाता हूं, ठीक है, मुझे खाने में पनीर की सब्जी बहुत पसंद है। तो इससे क्या हो रहा है, जिससे किसी बात या कार्य के कार्य का पूरा होने का बोध हो रहा है। ठीक है, अब दूसरा है निषेधवाचक वाक्य। निषेधवाचक को हम नकारात्मक वाक्य भी कह सकते हैं। नकारात्मक यानी जिस भी वाक्य में नहीं शब्द का प्रयोग हुआ हो। मुझे खेलना पसंद नहीं है, मैं आज स्कूल नहीं जाऊंगा, आज मैं खाने में रोटी नहीं खाऊंगा। मतलब जो भी वाक्य हो वो निषेध हो, उसमें नहीं शब्द का प्रयोग हो, उसे हम निषेध वाचक वाक्य कहते हैं। और जो निषेध वाचक वाक्य है उन्हें हम नकारात्मक वाक्य भी कहते हैं। ठीक है, अब तीसरा है आज्ञावाचक वाक्य। आज्ञा से आपको समझ में आ रहा होगा, किसी तरह का किसी को आज्ञा देना या किसी को किसी तरह का ऑर्डर देना, किसी से हम कुछ कहें करने के लिए। जैसे श्याम पानी लाओ, ठीक है, जाओ, जैसे मान लीजिए राम है, तो राम बाजार से आलू खरीद कर ले आओ। ठीक है, अब तुम बाहर जाकर इस कार्य को करो। मतलब किसी तरह की आज्ञा देना, किसी तरह का ऑर्डर देना जिसे उसका पालन करना हो। ठीक, अब तीसरा है विस्मयवाचक वाक्य। अब विस्मय क्या होता है, विस्मय मतलब होता है आश्चर्य। ठीक है, और इसमें बहुत सारे चीजें आती हैं, जैसे कि आश्चर्य होना, घृणा होना, प्रेम होना, खुश होना, दुखी होना, ये सब चीजें, जितने भी तरह के ये भाव हैं वह विस्मय में आएंगे। कौन कौन से, फिर से एक बार रिवाइज करते हैं, घृणा, विस्मय, प्रेम, हर्ष, आश्चर्य और शोक। जैसे वाह कितना सुंदर दृश्य है, हाय मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है, आहा मुझे यह देखकर बहुत मजा आया। तो ये सब शब्द क्या हैं, यह आश्चर्य। जब आश्चर्य आपको होता है तो आहा वाव, ऐसे शब्द भी हम अंग्रेजी में बोलते हैं ना, वाव कितना सुंदर है, वाव तुम्हारे पास इतना सुंदर खिलौना है, मुझे ये बहुत पसंद है। तो ये जो है, जो आपके भाव हैं बहुत सारे, या किसी भी चीज को आपको दुख होता हो या चोट लगी, हाय मुझे चोट लग गई, तो ये क्या है, ये आपके भाव हैं। जो भाव की चीजें हैं, जैसे आश्चर्य हो, घृणा हो, शोक हो, खुशी हो, तो ये सब किसमें आएगा, यह विस्मय वाचक वाक्य है और इन्हीं में यह आएगा। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा, ये बहुत आसान टॉपिक है, इसमें कुछ नहीं है, इसमें आप जितने ज्यादा एग्जाम्पल्स देखेंगे पढ़ेंगे तो आपको ये समझ में आएगा। ठीक है, तो यानी आज हमने क्या पढ़ा, अर्थ के आधार पर वाक्य आठ प्रकार के होते हैं, चार हम इसमें पढ़ेंगे और चार हम भाग दो में पढ़ेंगे। तो भाग एक में हमने क्या क्या पढ़ा, विधिवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य और विस्मयवाचक वाक्य। तो बच्चों मुझे पूरा विश्वास है
कि आपको यह वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। इसको देखिए, लिखिए, प्रैक्टिस करिए और फिर इसको बार बार देखिए, मतलब याद करिए, लिखिए और प्रैक्टिस करिए। फिर मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद बच्चों, जय हिंद, जय भारत। बच्चों, अब हम शीट क्रमांक 13 के अनुच्छेद को पढ़कर समझेंगे। मैना के पास बहुत सारे खिलौने हैं। उन खिलौनों से वह अपने भाई संजू के साथ खेलती है। मैना का मनपसंद खिलौना उसकी नीली आँखों वाली गुड़िया है और उसके भाई का पसंदीदा खिलौना दौड़ने वाली कार है। मैना के मन में एक विचार आया कि रिमोट वाली कार में अपनी गुड़िया को बिठाकर सैर कराए। मैना अपने भाई से ऐसा करने को कहा, लेकिन उसका भाई जो संजू है वह बोला, अरे तुम्हारी गुड़िया मेरे कार में नहीं आ सकती क्योंकि वो तो बड़ी है। लेकिन मैना ने तो जिद पकड़ ली। अब संजू सोचने लगा कि ऐसा क्या करूं कि मैना की गुड़िया कार में सैर कर सके। तभी उसे एक उपाय सूझा। उसने मैना की गुड़िया को कार के ऊपर बिठा दिया और रिमोट से कार चला दी। अपनी गुड़िया को सैर करते देखकर मैना बहुत खुश हुई। बच्चों, अब हम अनुच्छेद के प्रश्नों के उत्तर को देखेंगे। इस अनुच्छेद का पहला प्रश्न है, मैना के पास क्या था? उत्तर के ऑप्शंस हैं, अ बहुत सारी मिठाइयाँ, ब बहुत सारे खिलौने, स बहुत सारी किताबें, द बहुत सारे कपड़े। तो बच्चों, इसका उत्तर क्या होगा? एकदम सही कहा बच्चों, इसका उत्तर होगा ब बहुत सारे खिलौने। रिमोट वाली कार, ब बड़ा वाला गुड्डा, स नीली आंखों वाली गुड़िया, द बोलने वाला तोता। तो इसका उत्तर क्या होगा बच्चों? एकदम सही, इसका उत्तर होगा स नीली आंखों वाली गुड़िया, मैना की पसंद का खिलौना है। प्रश्न 3 है, मैना ने अपने भाई से क्या जिद की? आप सोचिए, तब तक मैं आपको उत्तर के ऑप्शंस देती हूँ। उत्तर अ है, गुड़िया को कार में सैर कराए, ब उसे बाजार ले जाए, स टॉफी लेकर दे, द अपना खिलौना मैना को दे दे। इसका उत्तर क्या होगा बच्चों? एकदम सही, इसका उत्तर होगा अ गुड़िया को कार में सैर कराए। प्रश्न 4 है, संजू ने मैना की जिद पूरी करने के लिए क्या सोचा? बच्चों, आप सोचिए कि संजू ने क्या सोचा, तब तक मैं आपको उत्तर के ऑप्शंस बताती हूँ। उत्तर अ है, गुड़िया को कार के अंदर ठूंस दिया, ब है, मैना की बात को अनसुना कर दिया, स है, उसकी जिद भूलने के लिए चॉकलेट दी, और द है, गुड़िया को कार के ऊपर बिठा दिया। तो इसका उत्तर क्या होगा बच्चों? एकदम सही, इसका उत्तर होगा द, गुड़िया को कार के ऊपर बिठा दिया। बच्चों, इस अनुच्छेद का 5वां और आखिरी प्रश्न है, मैना को अपनी बात पूरी होने पर कैसा लगा? उत्तर के ऑप्शंस हैं, अ मैना परेशान हो गई, ब उसने गुस्से में ध्यान नहीं दिया, स मैना खुश हो गई, और द मैना रोने लगी। तो इसका उत्तर क्या होगा बच्चों? एकदम सही कहा, इसका उत्तर होगा स मैना खुश हो गई। मैना को अपनी बात पूरी होने पे कैसा लगा? उसे बहुत खुशी महसूस हुई। बच्चों, मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। इस वीडियो को देखिए, पढ़िए, बार बार सुनिए, अपनी कॉपी में लिखकर प्रैक्टिस करिए। फिर मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद बच्चों, जय हिंद, जय भारत।